मुंबई की रजा एकेडमी ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से लाउड स्पीकर के मुद्दे पर अपनी मांग रखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी मस्जिद पर लाउड स्पीकर बजाने की परमिशन के लिए आए तो आप उन्हें तत्काल परमिशन मंजूर करें। इधर बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा लाउड स्पीकर को लेकर लिए गए फैसले का स्वागत किया है, लेकिन इस स्वागत बयान में एक और मांग जोड़ दी है। उन्होंने कहा है कि अवैध तरीके से बनाई गई मस्जिदों और मदरसों को लाउड स्पीकर की परमिशन ना दें और जहां ऐसे अनाधिकृत लाउड स्पीकर लगाए गए हैं उन पर तुरंत कार्रवाई करें, जिससे उचित न्याय हो सके। ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के सदर प्रेसिडेंट मौलाना सैयद मोइनुद्दीन अशरफ मोइनमिया साहब और उलमाए कराम ने बम्बई के पुलिस कमिश्नर मिस्टर संजय पांडे साहब से गुजारिश की है कि आपके पास अगर कोई मस्जिद में लाउड स्पीकर की इजाज़त के लिए आए तो आप उसको इजाज़त दें और बम्बई की तमाम पुलिस स्टेशनों को ये हिदायत जारी कर दें कि जिन मस्जिदों के ट्रस्टियान जिनके पास परमिशन नहीं है लाउड स्पीकर के इस्तेमाल का और वो पुलिस स्टेशन आए तो फौरी तौर पर उनको उसकी इजाज़त दी जाए कि वो कानून के मुताबिक उस पर अमल कर सकें। अजान में ज़्यादा वक्त नहीं, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट लगता है और 15 कलमात उसके अंदर हैं, 15 लफ्ज़ हैं, इसलिए अजान पर तो किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, ना कोई ममानियत है, सिर्फ लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की बात है। तो उसको कानूनी दायरे में लाने के लिए अगर मसाजिद के ट्रस्टियान आपसे रुजू हों तो आप उनको परमिशन फौरी तौर पर दे दें।